प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अपने दुए कार्यकाल का पहला बरा पूरा होने पर देशवासियों ना लिखिया खत, मुल्का दे कोविड 19 महामारी कन्नै निबड़ने दे तैयारी की दोहराया। कुलगाम च लगे दे टाकरे च हिजबुल मुजाहिदीन दे दो आतंकवादी मारे गए। सलाहकार फारूक खान होरें जेश जश्मी दे मौके पर माता खीर भवानी हुंदे पर एलईडी ग्लो कीता जारी। मेद बुझी दे माता खीर भवानी मनुखे दी महामारी समा करो उपास। नमस्कार, डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं मालू शर्मा ते हुन खबरां तफसील कन्ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अपने कार्यकाल की दुई अवधि के पहले साल के मुकम्मल होने पर देशवासियों की खत लिखी भेजी है। अपने खाते च प्रधानमंत्री होरें अपनी सरकार की उपलब्धियों पर लोप आई ते कोविड 19 महामारी कन्नै निबड़ने च देशा दी प्रतिबद्धता की फी दोहराया। प्रधानमंत्री होरें आखिया कि चूंकि साढ़े देशवासियों दियें आसें मेदें की पूरा करने लई देश बड़ी तेजी कन्नै अगे बधा करदा हा तां कोरोना वायरस महामारी ने भी साढ़े देश की अपनी चपेट च ले लिया। उन्हें आखिया जे बड़े की डर हा जे जेकर भारत कोरोना की मार हेठ होग तां विश्व लई बड़ी वड्डी समस्या बनी जाग, लेकिन अज अपने दृढ़ विश्वास ते संयम कन्ने इस मुल्खा दे लोकें ओ बदलाव आने हैं जड़ा कि पूरी दुनिया दे सामने है। नरेंद्र मोदी हुंदी सरकार ने अपने दुए कार्यकाल का पहला बरा अज पूरा कर लिया है। कार्यकाल के पहले बरे नेक महत्वपूर्ण आर्थिक ते राजनीतिक फैसले लेते गए। नरेंद्र मोदी सरकार आसिया इस दौरान जम्मू कश्मीर थमां दफा 370 ते 35A की खत्म करना, राम मंदिर दे निर्माण दी बत पदरी करना, मुस्लिम महिलाएं की न्याय दुआना लई ते त्रै तलाक उपर रोक लाना ते नागरिकता संशोधन कानून जने महत्वपूर्ण फैसले लैते गए। सबने शा बधिए कोविड 19 महामारी कन्नै निबड़ने लई सरकार आसिया पुट्टी गई गैर सराहनीय जोग है। उथे के गरीबें महिलाएं ते प्रवासियों लई अन्नदाने ते माली मदद लई 20 लाख करोड़ रुपए दे पैकेज दी घोषणा च नहीं हर गैं सरकार दे देशवासियों दे कल्याण दे निश्चय की दसदी है। जिला पुंछ च बख-बख समाजिक संगठने ते व्यक्तिगत तौर पर लोकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें गी उंदे दुए कार्यकाल दा पहला बरा पूरा करने लई मुबारकबाद दित्ती है। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल्लबात करदे होई पीपल्स फोरम पुंछ दे प्रधान संजय रैना ते होरने लोकें आम लोकें दी भलाई बेहतरी लई नेका कल्याणकारी योजना शुरू करने लई सरकार दा धन्यवाद कीता है। जो भी चाहे किसानों के लिए कोई योजना बनी, उज्ज्वला योजना है या किसी और तबके के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, सभी कारगर योजनाएं बनाई गई हैं इस सरकार द्वारा। उसके अलावा आप देखें कोविड 19 से जिस प्रकार से इस सरकार ने हैंडल किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पूरे संसार को ही इज हेडिंग द वर्ल्ड फ्रॉम द फ्रंट, तो मेरे ख्याल बुरी बुरी प्रशंसा करनी चाहिए। इस कार्यकाल में इतने चैलेंजेस भी उनके सामने आए, लेकिन हमारी जो सरकार एनडीए सरकार है चट्टान की तरह खड़ी जी की गवर्नमेंट का एक साल मुकम्मल हो गया है। एक साल में जो मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में जो रेवोल्यूशन लाया है, अपनी गवर्नमेंट जो चल रही है उस रेवोल्यूशन ने न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को बता दिया है कि मोदी जो है एक वाइल्ड लीडर है जिसके जेहन में इतनी स्कीमें हैं, इतना गरीबों के लिए कुछ है कि अगर वो पूरा जब भी ग्राउंड पर लाते हैं तो गरीब जो है उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। पीएम किसान स्कीम है, पीएमएवाई है, बाकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो जो स्कीम प्रधानमंत्री की ओर से आई है वो मिली है लोगों को। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत कुछ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है वो एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है जिसमें 370-35A ट्रिपल तलाक और CEA कानून लागू किए गए, वो एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी लागू कर सकता है। इसके साथ ही इस समय जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसके डील करने के लिए प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लिए हैं पूरी दुनिया ने उसको लाभ बैक किया और हिंदुस्तान के लोगों ने किया है। अगर आप देखेंगे इस कोरोना महामारी के तहत किसान को 2000 रुपया आया। मेरी जिला कुलगाम च अज लगे दे टाकरे च हिजबुल मुजाहिदीन दे दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों मुताबिक जिले दे वानपोरा इलाके च आतंकवादियों की मौजूदगी दी सूद दे आधार उपर कार्रवाई करदे होई इलाके की घेराबंदी करिए तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलें की कॉल आंदा दिखिए आतंकवादियों उन्दे पर गोलियां बरसाना शुरू कर दित्तियां। जवाबी कार्रवाई च सुरक्षा बलें दो आतंकवादी की मारी मकाया। मारे गए आतंकवादियों की पंछान रेडवानी दे शाकिर अहमद इट्टू ते वानपोरा दे परवेज अहमद बांडित दे तौर पर कीती गई है।
पाकिस्तान ने अज परतिये संघर्ष विराम की उलंघना करते हुए पुंछ च कब्जा रेखा उपर अगेतरी चौकियां रिहायशी इलाकें च बिजन गुस्से उकसावे दे गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता मुताबक बडले 10 बजे पाकिस्तानी बलें पुंछ के किरनी सैक्टर च गोलीबारी की, हालांकि बन्ने पर तैनात भारतीय जवान ने इस गोलीबारी का बनकदा परता दिता। यहाँ के जो है माल मवेशी ज्यादा नुकसान होते हैं, क्योंकि ये सुबह का टाइम होता है 10 बजे का, सभी लोग बाहर होते हैं और इसमें बहुत मुश्किलात हो रही है, क्योंकि हर वक्त की किसी वक्त भी जो है जो ये लंगल करते हैं ये पाकिस्तान वाले करते हैं और हमें बहुत मुश्किलात हो रही है। जो इस्लामाबाद एरिया है, सरल एरिया है और किरनी एरिया है, जिस ये एरिया में बहुत शेलिंग हो रही है और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन की खामोशी के बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करते हुए पुंछ जिले के कई इलाकों में गोलाबारी की गई। हम आपको बता दें आज सुबह 10 बजे से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कस्बा किरनी मंदार कहियां जैसे कई गांव हैं जहां पे गोलाबारी की गई। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन इस गोलाबारी से इन सीमावर्ती गांवों के लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया और लोग अपने घरों के अंदर ही बंद है। एलओसी गांव कस्बा से रमेश वाली डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर बडले 11 बजे मुल्खाच ते विदेशें च रविवार दे भारतीयें की अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात राएं संबोधित करगन। ए उन्दे इस कार्यक्रम दी 65वीं किश्त होग। ए आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे सबने नेटवर्कें सने आकाशवाणी खबरें दी वेबसाइट www.newsonair.com ते न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। एदे कन्ने गे एदा आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे YouTube चैनलें पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय मुजब मुल्खा च कोविड 19 दे मरीजें च नरोई होने की 47.40% की दर कन्ने 82,370 मरीज ठीक हो चुके दिन, जिंदे 24 घंटे दौरान 11,264 मरीज ठीक होए न, जिले की 7,964 नवे कोविड 19 दे मामले सामने आए न। एदे कन्ने के हुण देश च कोरोना वायरस दे कुल मामले दी गिनतरी 1,73,763 पुजी गई है। भारत च कोविड 19 महामारी फैलने दे बाद थमां इक दिने च सामने आने आले सबने शा मते मामले न। जंदे 24 घंटे च वायरस कारण 265 मौतां होने कन्ने मुल्ख भरे च होने आली मौतें दी गिनतरी 4,971 होई गई है। तुआई के कल केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दे जम्मू संभाग च 36 ते कश्मीर संभाग थमां 92 मामले कन्ने कुल 128 नवे मामले सामने आए न। एदे कन्ने गे प्रदेश च कुल मामले दी गिनतरी 2,164 होई गई है। कोरोना वायरस कन्ने जम्मू कश्मीर च अजे तोड़ी मरने आले दी गिनतरी 28 है। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम होरें आख्या जे जम्मू कश्मीर सने मुल्ख भरे च कोविड 19 मामले च बाधे की दिखदे होई इस सरबंधा च निगरानी ते एदे मामले कन्ने जुड़े दे संपर्कें दा तौले शा तौले पता लाने दी लोड़ है। मुख्य सचिव होरें एह गल केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च कोविड 19 कन्ने निबड़ने लई कीती जा करदी कोशिशें दा जायजा लैने लई जम्मू च कल सबने डिप्टी कमिश्नरें ते मुख्य मेडिकल अधिकारियें कन्ने वीडियो कांफ्रेंसिंग लाई गेदी इक बैठक दौरान आखी। उनें सबने डिप्टी कमिश्नरें की स्वास्थ्य निधि दा बेहतरीन इस्तेमाल करदे होई बीमारी दे लक्षण आले लोकें दे टेस्ट करने लई आख्या। सेहत विभाग दे माली कमिश्नर अटल डुल्लू होरें इस दौरान जम्मू कश्मीर च कोरोना वायरस मामले सरबंधी स्थिति ते ओहदे कन्ने निबड़ने लई कीती जा करदी तैयारियां बारे भी जानकारी दित्ती। खबरदार बुलेटिनियां के जारी रोक, लेकिन पहले कोरोना वायरस बारे महत्वपूर्ण संदेश। एक सर्किट हाउस नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। दीदी ये देखो। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780446 पर संपर्क करें। खबर जिक पारी पर थी तुम्हारा स्वागत है।
जिला इंतजामिया डोडासिया अज फलें ते सब्जियां दी रेहड़ियां लाने आले दा कोविड 19 लई टेस्ट कराने आली प्रक्रिया आरंभ की गई। रेहड़ी आले की इस बारे कल जानकारी दी गई ही ते इस बखी सकारात्मक रवैया अपनांदे हुई अज कुंजा रेहड़ी आले नगर च स्थापित किए गए काउंटरें पर अपने टेस्ट कराए कि जे रेहड़ी आले लॉकडाउन की अवधि दौरान मते सारे लोगों के संपर्क च आए इस करी उनका टेस्ट किया जाना अत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत आई थी जितने भी फ्रूट सेलर हैं वो आओ और अपने टेस्ट कराओ। हमारे पास बहुत से ग्राहक दिन में आते हैं तो टेस्ट होना जरूरी था, हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम डोडा के जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं ना उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं तो अभी तक हमने कोई 51 लोगों के सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। मेन रीजन वही था कि इनको भी हम देखना चाहते थे कहीं किसी एक वेजिटेबल वेंडर में तो नहीं है किसी में ये वायरस तो नहीं है। उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार फारूक खान होरें ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर अज जम्मू च माता खीर भवानी मंदिर च विशेष एलईडी ग्लो लवाया। माता खीर भवानी जी वेलफेयर सोसायटी आसिया बनाए गए एलईडी ग्लो च माता रागन्या भवानी की श्रवण कथा ते उंदा गुणगान करते कश्मीरी भाषा के 35 मशहूर भजन शामिल न। अज कल्ले दी तकनीक आला ए रिमोट कंट्रोल आला ए ग्लो तुलमुला च माता खीर भवानी के मंदिर च स्थापित किया जाना हा पर कोविड 19 महामारी कारण इस कार्यक्रम की रद्द कर दिता गया। इस करी सोसायटी ने इस उपकरण की जम्मू च स्थापित करने का फैसला लेता ते हालात सामान्य होने पर इसे तुलमुला च स्थापित किया जाग। इस मौके पर बोलते हुए सलाहकार खान होरें जम्मू कश्मीर च ते बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की ज्येष्ठ अष्टमी के पवित्र ध्याड़े लिए मुबारकबाद दी ते कन्ने मेद बुझी जे माता खीर भवानी इस महामारी थमां सबने दी रक्षा करोग। आज ज्येष्ठ अष्टमी है। शुभ अवसर हर भरे कश्मीरी पंडित तबके आसियां जेठ महीने के शुक्ल पक्ष के 8वें रोज मनाया जाता है। यह शुभ अवसर देवी रागन्या दे परादुर्म दे तौर पर मनाया जाता है ते श्रद्धालु कश्मीर वादी के गांधरबल जिले च तुलमुला के खीर भवानी मंदिर च मत्था टेकते हैं। मकामी लोग इसी मेला खीर भवानी भी आखते हैं पर इस बरे कोविड महामारी कारण जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट ने सालाना खीर भवानी मेला रद्द कर दिता जड़ा कि आज कश्मीर वादी के गांधरबल जिले की तुलमुला थार होना तय है। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडित तबके का बड़ा धार्मिक समारोह है। ये विश्वास किया जाता है जे वादी च खीर भवानी मंदिर के चश्मे के पानी का रंग हालात च बदलाव आने कन्ने बदली जाता है। कोरोना वायरस के चलते ताए जम्मू के जानीपुर इलाके च भी अज ज्येष्ठ अष्टमी के ध्याड़े लोग माता खीर भवानी के मंदिर च होए दे हवन च शामिल नहीं हो सके। मंदिर प्रबंधन आसिया पहले की घोषणा कर दी गई ही जे सरकार आसिया जारी हिदायत एक दिखते हुई अजे के ध्याड़े लोग मंदिर च पूजा अर्चना करने लई नहीं आन। दूर दूर से लोग आते थे इस पूजा करने के लिए प्रार्थना के लिए लेकिन आज कोरोना की वजह से वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, यहाँ पे जगह नहीं होती थी बैठने के लिए लेकिन इस साल दुर्भाग्यवश ये जो कोरोना का जो ये महामारी चल पड़ी है इससे इन्होंने ट्रस्ट ने और जो ये जो इस मंदिर के ट्रस्ट ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है कि यहाँ पे लोग भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई ऐसे फॉर्मल फंक्शन नहीं होगी, सिर्फ जो जरूरी यहाँ पे जो जरूरी पूजा करनी है वो उन्होंने अरेंजमेंट किया है अपने तरफ से, वो कुछ थोड़े लोगों के साथ में 80-90 हज़ार लोग 1 लाख तक लोग आते रहे पिछले 25 साल से यहाँ पे। लेकिन इस बार जो कोरोना वायरस हुआ कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को पहले से वार्षिक खीर भवानी मेला ते यात्रा जेडी अजो न तय ही इस बरे कोरोना महामारी कारण नहीं हो सकी। उधमपुर सोआ बड़ी मती गिनतरी च लोग इस पवित्र यात्रा च हिस्सा लैंदे न। निराश लोकें इस बारी अपने घरे अंदर के पारंपरिक ढंगा कन्ने माता खीर भवानी दी जयंती मनाई। खीर भवानी यात्रा दा आधार शिविर शारिका माता मंदिर उधमपुर च सुमसान पीति रही। दूरदर्शन समाचार कन्ने गलबात करदे होई शारिका मंदिर ट्रस्ट दे अधिकारी दस्या जे कोविड 19 दी पाबंदी कारण असे पवित्र दिवस अपने घरां च के पूजा अर्चना करिए मना करदे आं। लॉकडाउन करिए बारे राज्य च फसे दे जम्मू कश्मीर दे तकरीबन 1,01,170 नागरिकें की केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड विशेष रेलगड्डियें हवाई उड़ाने ते बसे राय वापस जम्मू कश्मीर आनी लैता है। आंकड़े मुताबक सरकार ने अजे तोड़ी बख बख राज्यों च फसे दे 71,585 बसनीके की लखनपुर राय 29,585 जने की 37 विशेष रेलगड्डियां राय जम्मू ते उधमपुर ते रेलवे स्टेशन तोड़ी पजाया है। उत्थे के कल्ले थमां लेइए अज बडले तोड़ी लखनपुर राय 1,879 यात्री प्रदेश च दाखिल होए ने जेले की
17 दिल्ली कोविड विशेष ट्रेना 674 सवारियों के लिए जम्मू पुजियां। अजें तोड़ी 17 रेलगड्डियां 13,945 फसे दे यात्रियों के लिए जम्मू ते 20 विशेष रेलगड्डियां 15,640 यात्रियों के लिए उधमपुर रेलवे स्टेशन पुज चुकी दियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर हुंदे सलाहकार के शर्मा होरें जम्मू प्रांता दे सोए आले जोन च 12वीं क्लास दे इम्तिहानें गी सफलतापूर्वक कराने लई इक सुरक्षित तरीकाकार तैयार करने लई आखिया तां जे 12वीं कक्षा दे इम्तिहानें लई जम्मू प्रांता च प्रबंधन करने लई जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड आसिया लोआई गेदी इक जायजा मीटिंग दौरान सलाहकार होरें सूचित कीता जे शिक्षा संस्थान इम्तिहान कराने लई उपलब्ध होई सकदे न। उनें भी दस्सिया जे जित्थे क्वारंटाइन या कोविड वैलनेस केन्द्र बनाए गए न उत्थे विकल्पिक इंतजाम उपलब्ध करवाए जान। एह्दे कन्नै गै खबरदार बुलेटिन समाप्त होआ। नमस्कार।